हाय दोस्तों, आज ऐसे ही अचानक सुबह उठकर सारा काम कर रही थी तो ध्यान में आया कि हम जितना भी कर ले, जितना भी सुन ले, सब में दोष किसका होता है? औरत का ही होता है। पति की तबीयत खराब तो बीवी की गलती, बच्चे का रिजल्ट खराब तो माँ की गलती, सास ससुर के प्रति थोड़ी सी भी कुछ अनाचार हुआ तो बहू की गलती, और उसके बाद क्या सुनने को मिलता है? माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। अरे भाई, जब मैके की तरफ जाना ही है तो माँ के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहनें होते हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? तो हर चीज़ में घूम फिर कर क्यों माँ बनाम बहू बनाम बीवी, इन सब के ऊपर दोष क्यों आता है? कभी किसी ने सोचा है? शायद वो ऐसे ही मुफ्त में मिली हुई कोई चीज़ है जो शादी के बाद एक मुफ्त की नौकरानी कहलाती है, और मुफ्त में तैयार करने वाली माँ सारी फरमाइश पूरी करने वाली माँ कहलाती है, और ससुराल में तो बिन पैसे की नौकरानी, सबके गुलाम करने वाली। पर क्या ये वजूद उसका है? क्या ये वो डिजर्व करती है? वो भी एक इंसान है, मांस पुतला से बनी एक इंसान, जो उसको भी दर्द होता है, तकलीफ से भी वो गुजरती है, तो उसका दर्द बांट नहीं सकोगे, लेकिन उसके दर्द पर नमक भी मत छिड़को। उसको अपने हाल में रहने दो, पूछो हाल कैसा है, शायद उसको थोड़ी सी राहत मिले। सो किसी की मरहम बनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर किसी की दवाई बनने के लिए थोड़ी सी कोशिश करोगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है। सो जज करना बंद करो। सब लोग अपना अपना नसीब लेकर आते हैं और नसीब लेकर ही जीते हैं। सो बंद करिए जज करना किसी को, खास करके एक औरत को। शुक्रिया।